नमस्कार, आज मैं बनाऊंगी मूली के पराठे। तो इसके लिए मैंने ये दो मूली ली हैं, इनको मैंने धुल के साफ़ कर लिया है और ये मूलियाँ मैंने छील ली हैं और अब इनको मैं कद्दूकस करूंगी। तो कद्दूकस मैंने थोड़ी सी मूली पहले से कर ली है, ये देखिए, इसको मीडियम वाले होल से करना है, जो मीडियम है, ज़्यादा मोटे से भी नहीं करना है और ज़्यादा बारीक से भी नहीं करना है। तो ये जो मीडियम होल हैं इसके, उससे किया है मैंने। तो ये देखिए, ये सारी मूली मैं इसे कद्दूकस कर लूँगी पहले। और ये हो गई है मूली कद्दूकस मेरी सारी। और इसमें अब डालूँगी मैं नमक अंदाज से और इसको अच्छे से मिला देंगे। तो इसको मैं हाथ से मिला दूँगी जिससे ये नमक सारी जगह अच्छे से मिल जाए। और इसको एक बर्तन में करके रख दूंगी। तो मैं इसमें करके रखूंगी और अब लगाऊंगी मैं आटा। और यहाँ पे हम ले लेंगे आटा, जितना हमें ज़रूरत है उस हिसाब से छान के ले लूँगी। तो छन्नी से छान लेना है आटा मुझे। देखिए, इतना आटा मुझे लेना है और इसको अब गूंथ लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। सॉफ्ट डो लगाना है, ज्यादा टाइट नहीं रखना है। देखिए, इतना नरम आटा लगाना है मुझे। और इसमें यहाँ पे हम थोड़ा सा लगा देंगे घी और इसको 10 मिनट के लिए ढक के हमें रख देना। तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे मूली को 10 मिनट हो गए रखे हुए, करीब 15 मिनट। और इसको अब मैं इस छन्नी में डाल के निचोड़ लूँगी। तो ऐसे उठा उठा के इसको हम निचोड़ लेंगे। से भी निचोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे मुट्ठा बना के दबाने से भी इसमें पानी काफी निकल जाएगा। ऐसे ही पूरी मूली हम निचोड़ लेंगे। और यहाँ पे देखिए, इतना पानी इसमें, इतनी मूली में निकला है। बाद में आटा गूंथे तो इस पानी से भी गूंथ सकते हैं, लेकिन हमने आटा पहले गूंथ लिया है। एक गिलास पानी निकल आया है इसमें। और इसी बाउल में मैं इस मूली को डाल लूंगी और इसको फोड़ लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मतलब ये लड्डू से बंध गए हैं, तो अच्छे से इसको फोड़ लेंगे बढ़िया से। और अब इसमें मिलाएंगे मसाले। तो यहाँ पे मैंने बारीक धनिया काट के रखी हुई है यहीं पे, तो ये धनिया इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई। और यहाँ पे मैंने अदरक और मिर्च का ये कूट के रखी है, अदरक और मिर्च ये डाल दी है इसमें। और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, थोड़ी डालेंगे अजवाइन, इसको थोड़ा ऐसे मल के डाल देंगे। ये अजवाइन डाल दी है। और इसमें थोड़ी सी रेड मिर्च चिली डाल देंगे और धनिया पाउडर डालेंगे। डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, डालना चाहो तो डालो। और नमक चेक करके डालेंगे, क्योंकि नमक पहले कद्दूकस करके जब मूली रखी थी तभी डाल दिया था, तो हम चेक कर लेंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर
मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं और थोड़ी सी डालेंगे हींग। तो ये एक पिंच के करीब मैंने हींग डाल दी है इसमें। सारे मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उधर चलिए अब देखते हैं आटा। तो ये देखिए ये आटा मैंने रखा था, तो इसको थोड़ा सा और मल लूंगी। पराठे भरवा पराठे या पूड़ी के लिए जो आटा लगाते हैं वो थोड़ा सॉफ्ट ही लगाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो भरते हैं अगर थोड़ा आटा सख्त रहेगा तो फूट जाएंगी कचौड़ियाँ या पराठे जो भी बनाएंगे, तो इसलिए उसका आटा थोड़ा स्मूथ ही लगाते हैं। देखिए ऐसा आटा लगाएंगे। तो ये हमारा आटा तैयार हो गया है और इधर ये स्टफिंग भी तैयार हो गई है मूली की। और इधर मैंने ले लिया है सूखा आटा। तो अब चलिए बनाते हैं पराठे। तो यहाँ गैस पे मैंने तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। और चलिए इधर अब पराठा बना रही हूँ। और ये ले लिया है मैंने देसी घी। आप जिस भी ऑयल से बनाना चाहते हैं वो लें, मैं देसी घी से बनाऊंगी। लेंगे आटा ज्यादा नहीं हुआ है। और अब सूखे आटे में इसको लगा के और किनारे से ऐसे इसको दबा दबा के बढ़ा लेना है। देने लगेगी तो इसलिए थोड़ा मोटा मोटा ही बनाएंगे। तो ये देखिए पराठा बिल्कुल तैयार है। सूखा आटा है उसे थोड़ा छाड़ देंगे। तो ये तवा मैंने ग्रीस कर लिया है घी डाल के। और तवा जो है वो ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना है, मतलब गैस बहुत तेज़ नहीं रखनी है। और अब इस पे पराठा डाल देंगे और मीडियम पे गैस को कर दी है मैंने। और तब तक हम दूसरा पराठा तैयार करेंगे।
यहाँ पे देखिए इधर भी पराठा हो गया है, तो इधर देखिए अब इसको पलट के अब इसमें हम लगाएंगे यहाँ पे घी। तो अब घी लगा दूंगी यहाँ इसमें घुमा घुमा के बढ़िया से घी लगा देंगे। अब पलट के इधर भी घी लगा देंगे तो ये पराठा अच्छे से फूल जाएगा। दबा दबा के पराठे को सेक लेना है। गैस मीडियम पे ही है मेरी, किनारी अच्छे से दबा के सेक लेनी है। तो ये हो गया है तैयार पराठा और इसको अब उतार लेंगे। और ये बनके तैयार है मूली के पराठे, तो बहुत ही टेस्टी बने हैं। इसी तरीके से आप लोग भी मूली के पराठे बना के देखें, तो देखिए इसके अंदर कितना बढ़िया स्टफिंग भरी हुई है। इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितना सुंदर भरा हुआ है। तो इसी तरीके से आप लोग भी बनाएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें।